पुलिस प्रशासन द्वारा कस्बे की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आमजन को मास्क वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कस्बे की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से मास्क का वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार भारत भूषण जी, नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक, दीदार सिंह, पूरी टीम और सामाजिक संस्थाओं के लोग काफ़ी संख्या में मास्क लेकर यहां पर आए हैं। अच्छे स्तर का ये मास्क है। आप देख सकते हैं मास्क का महत्व भी एसएचओ दीदार सिंह लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहनने का क्या महत्व है, और उसके बाद उसको फिर मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे किस्म का मास्क सामाजिक संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं के सौजन्य से यहाँ पर बांटा जा रहा है। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के अध्यक्ष सुदेव चुग, हक्की आवाज़ के भी पदाधिकारी कुलवंत सैनी, श्री शिव गणवे सेवा मंडल के अध्यक्ष नरेश बक्सी, विकास वर्मा, त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति के भी हमारे सम्मानित भाई साहब, सभी संस्थाएं, दिलावर हुसैन रिटायर्ड कर्मचारी संघ के लोगों को मास्क का वितरण कर रहे हैं ताकि जागरूकता आए कि भाई मास्क आपने पहनना है। राहगीरों को मास्क वितरित कर रहे हैं इस वक्त सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण और साथ ही पुलिस प्रशासन। आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के श्री महेश बंसल लोगों को बुला बुला कर जो है मास्क का वितरण सामाजिक संस्थाओं के लोग इस वक्त कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के सहयोग से। अब नई अनाज मंडी में जाकर जो यहाँ पर
मजदूर वर्ग है उनके बीच में जाकर मास्क का वितरण जो है संस्थाओं के पदाधिकारियों और जिला जो अपनी पुलिस प्रशासन की टीम उनके द्वारा किया जा रहा है। कस्बे की सभी सामाजिक संस्थाएं त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति जयगोपाल नेटू जी रणबीर जी रिटायर्ड कर्मचारी संघ के दिलावर हुसैन रामेश्वर जी भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सैनी हक्कीवाज के संयोजक कुलवंत सैनी श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के अध्यक्ष सचदेव चुग श्री शिव गणपति सेवा मंडल के अध्यक्ष नरेश बक्सी संजय सिंगला और बहुत से अन्य हमारे प्रशासन के भारत भूषण नायब तहसीलदार जी एसएचओ दीदार सिंह नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक सभी आज निकले हुए हैं लोगों को बीच मास्क वितरण करने के लिए। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण जीर्णोद्धार समिति के श्री महेश बंसल शिवम अग्रवाल मास्क के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े इस कारण नाते से जो परने वगैरह लेकर मुंह को ढके हुए थे उनको हटाकर उनके स्थान पर एक अच्छा मास्क उनको दिया जा रहा है। लगातार मजदूरों को मास्क जो है अपने हाथ से ही पहना रहे हैं सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता साथी पुलिस प्रशासन जी। सर बताइए क्या कार्यक्रम था जी मास्क वितरण वगैरह का? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है जी। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है वो मास्क बताया जाता है। तो मास्क पहनने से इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो यहाँ पे अब आज सामाजिक संस्थाओं की मदद से एक मुहिम चलाई गई है मास्क वितरण की। तो सब में जहाँ भी मार्केट में या बाज़ार में या अनाज मंडी में जहाँ भी कोई बिना मास्क के कोई व्यक्ति घूमता पाया गया है तो उसको उसके बारे में मास्क पहनने के बारे में जागरूकता दी गई है और उनको मास्क उपलब्ध कराया गया है और उन्हें समझाया गया कि मास्क अवश्य पहने ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जानकारी मिल रही है कि लगातार मुहिम जारी रहेगी मास्क ये मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक कि इस बीमारी पे जो काबू नहीं पा लिया जाता तब तक ये मुहिम प्रशासन द्वारा भी जारी रहेगी और इसमें सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी लिया जाता रहेगा। पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संस्थाओं की यह मुहिम वास्तव में काबिले तारीफ है। इस मुहिम से न केवल लोग मास्क के प्रति जागरूक होंगे बल्कि वे मास्क के महत्व को भी जान पाएंगे। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।